देखिए दो अलग अलग चीजें हैं जी। एक तो यह है कि जो हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ मामला था जिसमें 2005 में हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट ने चार्जशीट क्वैश की थी जी। और 90 दिन बदल बीच जाने के बाद भी सीबीआई ने उसमें अपील नहीं की थी और जनहित में मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी उस मामले में और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी। वो अब लगातार उसके बाद जब सुनवाई पे आती थी तो सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल आते थे, तत्कालीन उसका विरोध करते थे, उसको लगने नहीं देते थे जब यूपीए सरकार थी। अब 12 साल बाद वो अब लगने जा रही है क्योंकि अभी 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 30 अक्टूबर वाले महीने में लगे हफ्ते में लगेगी तो इस महीने के लास्ट में लगने जा रही है जी। तो एक तो वो विषय है वो हिंदुजा बंधुओं के मामले में है जी। बाकी जो विषय था जिसमें गांधी परिवार की बात आती है जिसमें ओटावियो कोत्रोची को बीच में मिडिलमैन को लगाया गया था उसकी वजह से बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और सीधे सीधे गांधी परिवार को इंगित करता है तो उसकी जांच तो सीबीआई कर ही सकती है, सीबीआई को उसके लिए कोई मना ही नहीं है। अभी सीबीआई की तरफ से एक और वर्जन आया है कल रात को कि वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी 12 साल बाद जी। उसमें वास्तविकता यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की जरूरत है नहीं सीबीआई को क्योंकि ये क्रिमिनल अपील हमारी वैसी पेंडिंग है जिसमें सीबीआई भी पार्टी है जी। और मैंने सीबीआई को उसमें लिख के भी दिया है क्योंकि सीबीआई की तरफ से 10 अगस्त को एक वर्जन आया था कि सीबीआई हमारी अपील का समर्थन करेगी जी। मैंने उनको लिख के दिया था कि आप 14 अगस्त को कि आप इसमें एफिडेविट फाइल करिए और यदि एसएलपी फाइल करती है सीबीआई तो इस मामले को और डिले और देर होगी इस मामले में क्योंकि एसएलपी पहले दायर होगी उसके बाद उसमें नोटिस होंगे और नोटिस सर्व होंगे और उसके बाद सुनवाई पे आएगी। मेरी क्रिमिनल अपील जो है वो राइप है, पकी हुई है, उसमें सर्विस कंप्लीट है और उसमें केवल सुनवाई होनी है और हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था वो बिल्कुल ही गलत था, परवर्स ऑर्डर था क्योंकि उसमें जो है उनको ज्यूरिडिक्शन नहीं था उस ऑर्डर को पास करने का। उन्होंने रिकॉल और क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन में अपना ही ऑर्डर बदल दिया था जो हाईकोर्ट को पावर नहीं है सिंगल जज को, तो इसलिए वो ऑर्डर कहीं सस्टेन नहीं कर सकता है जी। वो ऑर्डर हर हालत में सेट असाइड होना ही है जी। अगर वो ऑर्डर सस्टेन करने रखा जाए जी तो फिर हाईकोर्ट में ही मामले चलते रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाने किसी को आवश्यकता ही नहीं रहेगी जी। तो इसलिए मेरा कहना है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को एसएलपी दायर करने की जरूरत नहीं है, केवल हमारी जो क्रिमिनल अपील है उसमें चाहे 1 पेज का एफिडेविट लगा दें समर्थन करते हुए और चाहे 10 लाख पेज का एफिडेविट लगा दें सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में अगर सपोर्ट, इसलिए उसको मामले को निस्तारित होना चाहिए और सीबीआई के पास पूरा पावर है कि पूरे मामले की ठीक रीओपन करके आपके पास। अजय अग्रवाल कहते हैं कि हर्षवर्धन के